पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सपने नहीं दिखाना चाहता, बस एक ही। पहला बताऊँ, 370 किसी के लिए रोड़ा में मैंने 3 शिफ्ट की, कोई रोड़ा नहीं था। मैंने असम्बली हफ्ते में 6 दिन करी, कोई रोड़ा नहीं था। पूरी पहाड़ खोद दिए सड़कों के लिए, कोई रोड़ा नहीं था। एनवायरनमेंट क्लियरेंस कराई, कोई रोड़ा नहीं था। स्कूल कॉलेजेस का अस्पतालों का जाल बिछाया, कोई रोड़ा नहीं। कि इलेक्शन में मैं अपना एजेंडा है, कोई दूसरा बनाए मैंने रोड़ा, PDP बनाए होगी, NCR बनाए और कोई दूसरी पार्टी बनाए, मैं क्यों रोकूँगा? उनकी पार्टी है, एजेंडा वो बनाए, जैसे पहले एजेंडे बने तीन, है आपको मालूम है कितने साल से बने, वैसे उनका क्या एजेंडों का क्या हुआ वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वैसा एक और एजेंडा इस दफा 75 साल में, 76वें साल भी एक एजेंडा है। लेकिन मैंने कहा कि मैं वो एजेंडा नहीं बना, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। ये नहीं कहा कि 370 नहीं आ सके, 370 आ सकता, या तो मोदी लाएगा जैसे किसान का लाया, किसान का हमने नहीं लाया ना, मोदी ने लाया ना, उसकी मेजोरिटी उसने लाई, या तो मोदी साहब लाए। मैं उनको कन्विंस नहीं कर सकता। कोई यहाँ का जम्मू कश्मीर का कोई लीडर कहे कि मोदी साहब को कन्विंस करेगा, मोदी साहब अकेले नहीं, उसकी कैबिनेट को, ऐसा चुनिए वो, मैं नहीं कन्विंस कर सकता। तो या तो मोदी साहब दे दे, या 2/3 मेजोरिटी।